जनपद जौनपुर के मुक्तिगंज ब्लॉक में किसानों की आय दोगुनी करने और किसान कल्याण मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत किसान मेले का हुआ आयोजन। रविवार को स्थानीय ब्लॉक परिसर में किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख विनय कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलन कर शुरू की। उक्त मेले में प्रदेश सरकार द्वारा अपने 4 साल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में किसानों को ऑनलाइन बताया गया। कृषि अधिकारी नृपेंद्र सिंह ने कहा कि लगभग 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर खेती होती है, इसके बाद भी कुछ क्षेत्र असिंचित रह जाते हैं, जिसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार ने उर्वरकों के कालाबाजारी को रुकवाया। किसानों की आय को दुगनी करने हैं तो किसान सम्मान निधि फसल बीमा योजना सरकार द्वारा लागू किया गया। सरकार किसानों के साथ हर समय खड़ी है। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी लालव्रत यादव ने किया। कार्यक्रम का संचालन कृषि विभाग के तकनीकी सहायक रामशीष यादव एवं पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र सरोज ने किया। योगी जी और मोदी जी, वास्तव में देश हम ज्यादा लंबा भाषण अपना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समय ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है दोस्तों। किसानों सबसे आह्वान करना चाहता हूँ कि वास्तव में देश की तरक्की हो रही है, मानिए या न मानिए, करते हैं आत्मचिंतन करते हैं कि मोदी जी जब से देश में आए वास्तव में देश में तरक्की हो रही है, देश का विकास हो रहा है। और इस बात को लाइन आगे हम चाहते हैं बड़े भाई हमारे देखिए मुक्तिगंज ब्लॉक के यशस्वी तेज तरह युवा ब्लॉक प्रमुख, वास्तव में आपके अंदर वो जज्बात है। मैं टीवी चैनलों पर भी आपका कार्यक्रम सफाई करनी करके सफाई ब्लॉक में सफाई, वास्तव में आप देखिए पहले से आपसे कितना अंतर है। आपके नेतृत्व में ब्लॉक साथी चुनाव रहा था, मैं टीवी चैनल पत्रकार भाई बैठे हुए हमारे पंकज राय जी बड़ी अच्छी खबर चाहते हैं, हमारे बीच मोदी जी बैठे हुए ये लोग पत्रकार बंधु हैं, ये लोग खबर पहुँचाते रहते हैं। आपके नेतृत्व में मुक्तिगंज ब्लॉक का वास्तव में विकास हुआ है और हो रहा है और होगा। मैं ये दिल्ली से बनना दिल से कह रहा हूँ वास्तव में विकास होगा। आपके अंदर वो ऊर्जा है, ऊर्जा मान आप बंधु है, आपके नेतृत्व में मुक्तिगंज का विकास हुआ। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूँ कि आप अपनी बात को रखें, बड़े भाई में उपस्थित बड़े भाई वरिष्ठ भाजपा नेता जिला पदाधिकारी श्री नृपेंद्र सिंह जी, खंड विकास अधिकारी श्री लालव्रत यादव जी एवं हमारे श्री अनुगंज मंडल अध्यक्ष रंजीत सिंह जी एवं रेडियो एजेंसी रेडियो रेडियो पंचायत कार्यक्रम में उपस्थित किसान साथियों पत्रकार बंधुओं एवं हमारे क्षेत्र पंचायत के अधिकारी कर्मचारीगण, साथियों आज सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पे पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इन 4 वर्षों में सरकार ने किसानों के प्रति बहुत सारे काम किए हैं, ये आप सभी लोगों ने देखा होगा। 4 सालों में किसानों के प्रति हमारे केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार तो मान लीजिए के किसानों को जिस तरह से बरगला कर पंजाब के किसानों और हरियाणा के किसानों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को जिस तरह से सड़क पर लाया गया था, उनको गलत बातें समझा करके बहुत ही बुरी तरह से खड़े करके सारा कुछ किया गया और इतना लंबा आंदोलन चलने के बावजूद किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, जबकि सुरक्षा बलों को, साथियों मैं आप लोगों से भी यही अनुरोध, देशवासियों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और उसका हर तरीके से लाभ भी मिलेगा। हमारी भूमि की उर्वरता में ही लोग एकदम से बुजुर्ग हो जा रहे हैं, 40, 45 और 50 खान पान की व्यवस्था में कमी की वजह से, इस तरह से सरकार के द्वारा जैविक खेती की तरफ ध्यान दिया जाए तो हर तरह का फायदा है, हर तरह का उसमें स्वास्थ्य का लाभ है, उस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि सरकार के द्वारा मंडियों में इस
उपकरण की व्यवस्था की जाए। तमाम वैज्ञानिक तरीकों से आप लोग जानकारी लीजिए और जो भी संसाधन आपको पैदा किए जा रहे हैं उसकी जानकारी करके ब्लॉक से तहसील से जिले से उन चीज़ों का लाभ लेकर अपनी खेती किसानी का ध्यान देते हुए देश के विकास में आप लोगों का भी योगदान है और इस सरकार द्वारा आपके सम्मान में आप लोगों को अन्नदाता के तौर पर पहचान दी गई, ऐसा पिछली किसी सरकारों ने नहीं किया। यह बहुत बड़े गर्व की बात है, यह बहुत बड़े विजन की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा इस तरह का करूँगा कि आप लोग अपनी खेती किसानी में जो भी वैज्ञानिक तरीके से सरकार द्वारा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं उसके कार्य करते हुए आप सभी लोग बढ़िया तरीके से खेती करें, बढ़िया तरीके से उत्पादकता बढ़ाएँ और अपना विकास देश का भी विकास करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।